बड़ी जगह को बहुत ही खूबसूरती से ऑर्गेनाइज भी कर देती हैं और सुंदर भी बना देती हैं, जो कि हमें लगता है कि वो हमारे काम की नहीं है, है ना। मैं आप सबके साथ में शेयर करने की कोशिश करती हूँ ऐसे आइडियाज जो कि बजट फ्रेंडली हो, आपके घर को डेकोरेट करने के काम में भी आए और वेस्ट मटेरियल का यूज भी हम आसानी से कर सके। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे ही DIY जो कि हम बनाने वाले हैं अगेन वेस्ट मटेरियल से और बजट फ्रेंडली भी रहेंगे, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर और क्यूट क्यूट से DIY बनाएंगे जिनसे घर को ऑर्गेनाइज भी कर सके और घर सुंदर भी लग सके। ऑर्गेनाइज घर सुंदर ही लगता है, इसलिए मेरा प्रेफरेंस रहता है कि पहले घर को ऑर्गेनाइज करें, उससे जब घर ऑर्गेनाइज रहेगा, डेकोरेटिव चीजों से ऑर्गेनाइज रहेगा, तो वो सुंदर तो खुद ही लगेगा। तो क्या बना रही हूँ आज, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम किचन के लिए क्यूट सा डेकोर आइटम, जिसके लिए मैंने लिया है ये 10 इंच का MDF बोर्ड। आप चाहें तो इसकी जगह कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस MDF बोर्ड पर मैं करूँगी पेंट, तो मैंने वाइट पेंट किया है एक कोट, और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब इसके ऊपर एक कोट और करना है, लेकिन जब ये पहला कोट ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही करना है दूसरा कोट। आप चाहें तो इसकी जगह जैसो का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसो को ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने दो कोट कर दिए हैं पेंट के। इसके बाद में मैंने लिया है वाइट कलर के अंदर ही इस तरीके का थोड़ा सा, एक ड्रॉप या दो ड्रॉप हम डाल देंगे, जितना डार्क या लाइट रखना है उस हिसाब से येलो कलर, और मैंने एक लाइट येलो कलर बना लिया है जिसको हम चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर इस तरीके से डैब डैब करते हुए पेंट करेंगे। डैब डैब करने से एक टेक्सचर वाला इफ़ेक्ट आता है, इसलिए इस तरीके से स्पॉन्ज से अगर आप करेंगे तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा फिनिशिंग आता है इसमें। तो इस तरीके से हल्का हल्का सा शेड आना चाहिए चारों तरफ, बीच का पोर्शन हम एज इट इज़ छोड़ देंगे फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पर मैं चारों तरफ इस तरीके से कर दिया है। सेंटर में मैंने लिखा है किचन, और इसके बाद में मैंने लिया है डेको ट्रांसफ़र शीट। डेको ट्रांसफ़र शीट के ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगी होती है, उसको रिमूव करने के बाद में इस तरीके से रखते हैं, और थोड़ा सा स्पॉन्ज के अंदर आप पानी ले लीजिए, और उससे हमें क्या करना है, इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से भिगा देना है, इसको गीला कर देना है, और इसके अंदर का थोड़ी देर हम प्रेस करेंगे इसको, तो इसके अंदर का जो इमेज है वो हमारे सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसको हम बहुत ही हल्के से उठाएंगे। इसको निकालते समय इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि बहुत ही हल्के से निकालना है, अदरवाइज़ फिर ये जो हमारा डेको ट्रांसफ़र शीट है ना, ये इसकी इमेज जो है वो वापस से इसके ऊपर नहीं आएगी। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा हल्के हाथ से काम करना है और पानी बहुत अच्छे से लगाना है, और इस पानी से लगाने से ना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो मुझे जहाँ जहाँ पर जो जो प्रिंट चाहिए था वो मैंने ले लिया है। सेंटर में मैंने एक कप्स का सेट लिया है, और नीचे और ऊपर के साइड में मैंने थोड़ा सा फ्लोरल प्रिंट लिया है, और बीच में लिया है मैंने दो बटरफ्लाई। अब क्या कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पर ये मैंने वाइट पेंट किया था ना, वहाँ पर मैं हल्का सा येलो कलर कर रही हूँ, यानी कि एक शेड लाइटर मैंने इसके ऊपर बनाया है, जिससे कि ये देखने में भी अच्छा लगे और ये सब कुछ एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाए। सेंटर में जो किचन लिखा था उसको मैंने ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया है, और यहाँ पर ये जो हमारी डेको ट्रांसफ़र शीट थी ना, उसके ऊपर जो भी इमेजेस बनी हुई थी उनको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, और ये रिसेंटली मैं सीख रही हूँ आजकल ये वाली जो टेक्निक है, तो काफ़ी सुंदर बन कर के आता है। तो यहाँ पर मैंने ली है एक स्टेंसिल, और स्टेंसिल आप कोई भी पैटर्न की ले सकते हैं, मेरे पास ये कुछ ट्रेडिशनल पैटर्न में थी वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने चार तरफ ये आधा आधा स्टेंसिल को ब्राउन कलर से पेंट कर दिया है, और स्टेंसिल का काम करने के बाद में मैं लगा रही हूँ सेंटर में ब्राउन कलर से ही बीच बीच में डॉट्स। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बॉर्डर में कलर है वो तो डार्क येलो है, और अंदर वाला शेड जो है वो लाइटर है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। लास्ट में इसको फिनिश करने के लिए मैंने क्या किया है, मेटैलिक वैक्स ली है, और मेटैलिक वैक्स को मैं इस तरीके से इसके बॉर्डर पर चारों तरफ लगा दूंगी, जिससे कि इसमें थोड़ा सा गोल्डन इफेक्ट भी आए और ये ऐसा खाली खाली सा ना लगे। ये सब कुछ करने के बाद में पीछे के साइड में भी पेंट कर दिया था, और अब इसको फिनिश करने के लिए हम करेंगे एक कोट वार्निश का। वार्निश को अच्छे से लगाना है जिससे कि हमारा ये डेकोर पीस जो है वो सील हो जाए। अभी इसको जब ये सूख जाएगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो बन करके रेडी है, और इसके बैक साइड में ना मैंने इस तरीके से जूट रोप जो होती है ना, या मैक्रमे थ्रेड सॉरी, तो वो लगाया है हॉट ग्लू की हेल्प से। कैसा लग रहा है ये बताना जरूर, और इसको लगा करके आते हैं अब किचन में। किचन के लिए बनाया था ये,
और उसके बाद में बनाएंगे ऑर्गेनाइजर, लेकिन डिफरेंट टाइप के, तो वो भी देखने के लिए रुके रहिएगा एंड तक। तो चलिए पहले इसको लगा करके आते हैं। तो इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे तो हम सभी के घर में होते हैं, लेकिन इसको ओपनली रखने में ना उतने अच्छे नहीं लगते हैं। अगर इसी को हम अच्छे से डेकोरेट कर दें या अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना करके इसको यूज़ करें, तो हम इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। क्या क्या वो तो आगे बताऊँगी, फ़िलहाल करते हैं पहले इसका मेकओवर। और इसका मेकओवर करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर एक कोट करना है जैसो का। जैसो को करने के बाद में आप लगभग 8 से 9 घंटे तक के लिए ड्राई होने के लिए देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है और फिर ये पानी डालने पर या वैसे भी जल्दी से नहीं निकलता है। तो इसका मैं अच्छे से कोट करूँगी, एक कोट कर रही हूँ जैसो का। और इसको ना आगे पीछे साइड से मैंने किया है, अंदर के साइड से मैंने जैसो का कोट नहीं किया है। जब वो सूख गया तो इसके ऊपर के जो लिड है, लिड के ऊपर भी मैंने किया था जैसो का कोट, और इसके कॉर्नर पर मैंने किया था ब्लू कलर का चॉक पेंट। इसके बाद में किया है सेंटर में मैंने पिंक कलर का चॉक पेंट, और इसको मैं डबल कोट कर रही हूँ जिससे कि ये अच्छी सी फिनिशिंग के साथ में आए। और साइड में कॉर्नर पर मैं कर रही हूँ यहाँ पर येलो कलर के एक्रेलिक पेंट से यहाँ पर डॉट्स लगा दिए हैं। सेंटर में मैंने एक लिया है स्टेंसिल को लेकर के, मैं इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट से स्टेंसिल का काम कर रही हूँ जिससे कि सेंटर में इसमें एक डिज़ाइन बन जाए और ये इस तरीके का लग रहा है। हमारी जो स्टेंसिल होती है उसको हल्के से रिमूव करना होता है, इससे ये ख़राब नहीं होगा और पैटर्न जो है हमारा अच्छे से आएगा। अब ये जो डब्बा था, डब्बे के ऊपर भी मैंने पेंट कर दिया है, जैसो का कोट किया था और उसके बाद में ग्रीन कलर से पेंट कर दिया है। इसमें हल्का हल्का सा पिंक का टिंट भी है। सेम काम मैं इसके ऊपर भी करूँगी और येलो कलर से ही मैं इस डब्बे के ऊपर भी स्टेंसिल वर्क कर रही हूँ। इस तरीके से आधा आधा स्टेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ। पैटर्न और डिज़ाइन आपकी अपनी चॉइस है पूरी तरीके से। ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से कर रही हूँ। और ये जो ग्रीन कलर है इसके ऊपर बीच बीच में मैंने पिंक भी किया है, इसलिए ये हल्का सा शेड आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। चारों तरफ मैंने कर दिया है और इसके बाद में इसको ड्राई होने के लिए देंगे। इसके बाद में मैंने किया इसके ऊपर एक कोट। देखिए अभी फ़िलहाल ये ऐसा लग रहा है और ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हम इसमें कुछ और भी काम करेंगे। मैंने इसके ऊपर कर दिया है एक कोट वार्निश का, डब्बे के ऊपर भी और लिड के ऊपर भी, जिससे कि हमारा ये पेंट जो है वो सील हो जाए। सेंटर में इसमें थोड़ा सा गैप है, यानी कि थोड़ा गड्ढा सा है, तो इसके अंदर मेरे पास ये मोजैक टाइल जो थी उनको मैं लगा रही हूँ दो लेयर में। और चारों तरफ मोजैक टाइल लगने के बाद में ये डब्बा कंप्लीट हो गया है। सेंटर में मैंने लगा दिए हैं येलो कलर से कुछ डॉट्स जो कि इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से तैयार हो गया हमारा ये बॉक्स। और बीच में हम चाहें तो कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको बहुत ही सिंपल सा रखने की कोशिश की है जिससे कि ये इजी टू यूज हो और लॉन्ग लास्टिंग रहे। DIY भी बन करके तैयार हो गया, ये डब्बा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए फ्रंट से कुछ इस तरीके से है, साइड से मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है। और इसके ऊपर जो कि हमने डेकोर वॉर्निश कर दिया है तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है और इसको इजीली यूज किया जा सकता है। मैंने ना इसको अंदर से पेंट नहीं किया है। अब इसके अंदर चाहे तो अपनी बैंगल्स अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप बहुत सारी चीजें हैं जैसे ज्वेलरी है, बैंगल्स है, या फिर आपको कोई भी चीज रखनी है, इस तरह के छोटे छोटे से स्टोरेज बॉक्स जो है वो बहुत यूजफुल होते हैं। आप इस तरीके से डेकोरेट है तो आप बाहर भी कहीं पर रख सकते हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। हो गया ना सिंपल से डब्बे का कितना सुंदर सा मेकओवर। और अब इसकी कीमत बढ़ गई है पहले से। मैं तो इसमें स्टोर करने वाली हूँ अपने कुछ मिसलेनियस से चीजें। तो आपको ये वाला DIY कैसा लगा मुझे बताइएगा अभी कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा है ये DIY तो अभी लाइक कर दीजिएगा। चलिए एक और DIY कर लेते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजर का ही होगा। इस तरीके के कार्डबोर्ड के डब्बे जब भी मेरे घर में आते हैं मैं उनको स्टोर करके रख लेती हूँ, और ये स्टोरेज के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। वैसे अगर फेंक देंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर इसको अच्छे से सजा लेंगे तो ये काफ़ी टाइम चलते हैं। लास्ट ईयर जब ये डब्बा मेरे पास आया था, मैंने इसमें कुछ मंगाया था, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर कंपनी का ब्रांड नेम था। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक पेपर लगा दिया था जिससे कि ब्रांड नेम भी छुप गया और ये थोड़ा वुडन फिनिश में आ गया था। लेकिन अभी बारी है इसका मेकओवर करने की जिससे कि ये सुंदर भी लगे और इसको आप कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं। तो
उसके लिए मैंने क्या किया है, डब्बे के फ्लैप के बराबर मैंने एक वॉलपेपर था मेरे पास रखा हुआ, वो मैंने कट किया है और अंदर के साइड में मैंने इस तरीके से इसके ऊपर लगाया है ग्लू। और ग्लू को लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं लगानी है, ग्लू बहुत अच्छे से लगाना है। ये पीवीए ग्लू ही लगाया है मैंने और इसको ब्रश की हेल्प से मैंने पूरा स्प्रेड कर दिया है चारों तरफ। अब जितना मेरा ये रोल था, इससे मैंने ये फ्लैप जो था मेरा डब्बे का, इससे मैंने थोड़ा थोड़ा सा छोटा कट किया है। इसका रीज़न क्या है वो आगे बताऊंगी। इस तरीके से करते हुए हमें पूरा अच्छे से बिल्कुल इवन करते हुए इसको स्टिक करना है और ग्लू जो है ना वो पूरा एक साथ में नहीं लगाना है। इससे क्या होगा ना कि ये अच्छे से नहीं लग पाएगा, थोड़ा थोड़ा पोर्शन में अगर आप ग्लू लगाएंगे और फिर उसके बाद में उसको चिपकाते जाएंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन हाँ, बस ग्लू लगाने के बाद में इसको ब्रश की हेल्प से स्प्रेड ज़रूर करना है, इससे ना इसके अंदर ना बीच में निशान नहीं आएंगे। अदरवाइज़ जब ग्लू सूख जाता है तो ये जो निशान दिखते हैं वो अच्छे नहीं लगते। इस तरीके से मैंने इसको पूरा तरीके से कवर कर दिया है आगे और पीछे के फ्लैप पर। और अब लिया है मैंने सिल्वर कलर का गोटा किनारी। सिल्वर कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे इस वॉलपेपर में भी सिल्वर कलर का यूज़ किया है। ये जो किनारी किनारी मैंने छोड़ी थी ना थोड़ी थोड़ी सी, वहाँ पर दोनों साइड में मैं लगा रही हूँ इस तरीके से ग्लू लगाते हुए इस सिल्वर कलर की मेरी गोटा किनारी जो है उसको चारों तरफ ही लगानी है। और उसके बाद में मैंने इस तरीके से लंबाई में और चौड़ाई में फ्लैप बनाते हुए इनको भी इस तरीके से स्टिक कर लूँगी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम गोटा किनारी लगाएंगे ना जितनी पतली हो सके उतनी लगाएंगे, तो उतनी पतली लगाएंगे तो वो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। चौड़ी वाली गोटा किनारी जो होती है ना, वो रिबन जो होता है वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से पतली वाली गोटा किनारी को करते हुए पूरा यहाँ पर स्क्वायर में बॉक्स को कवर कर लूँगी। और बीच में मैंने लगा दिया है इसके बाद में कुंदन एक एक, और इसको हम चाहें तो वार्निश की हेल्प से सिक्योर कर सकते हैं। अंदर के साइड में तो मैं ऐसे ही रहने दूंगी। हाँ, इसके साइड वाला पोर्शन पर मैं सोच रही हूँ कोई सिल्वर कलर का फैब्रिक मुझे मिल जाए तो वो मैं लगाऊंगी बाद में। सिल्वर कलर का फैब्रिक मुझे मिल नहीं रहा था, इसकी वजह से मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ा है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत सा ज्वेलरी बॉक्स बन करके तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा ये डब्बा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसमें तो अनगिनत आइडियाज़ हैं, आप चाहें तो इसमें बीच में एक नॉब भी लगा सकते हैं जिसे एक संदूक की तरह काम करेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल मैंने तो इसको अभी सिंपल ही रखा है। सो दोस्तों, आज के DIYs में आपको कौन सा DIY ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये कुछ भी पसंद आया DIY तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।